बहादुर वित्तो चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी बुक रिम जिम क्लास 3। एक किसान था, एक कहानी है। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बित्तो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? तो ये है बित्तो और उसका हस्बैंड। ये पंजाबी लोक कथा है। आप देख सकते हैं कि बित्तो उसे क्वेश्चन पूछ रही है अपने पति से। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकार कर, घर की गाय शेर को खिलाते हुए तुम्हें समझ शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बित्तो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? तो मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि बित्तो एक घोड़ा लेकर आ गई है शेर के सामने। बित्तो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ा बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने चार शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ चले गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। यह सुनते ही शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। ये देखकर बित्तो बोली, देखो इसे कहते हैं हिम्मत, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गायें शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल में जान बची। आज एक ऐसी राक्षसी ते पाला पड़ गया कि रोज सुबह चार शेर का नाश्ता करती है। भेड़िया भी बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वो तो बित्तो थी जिसे अपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बेल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िए नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। तने पूँछ बांध कर चले पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वो डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूँछ से चार शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लेके आया है, वो भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिट सकती? खैर इस वक्त यही सही है। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वो फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे और उन्हें मालूम था कि अब शेर इस खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं शेर के साथ भेड़िया पूंछ बंधी हुई है और बित्तो उन्हें डरा रही है। तो ये कहानी थी बहादुर बित्तो की। थैंक यू। अगर मेरा चैनल अगर आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।